फिर उन्होंने कहा था काला धन स्विस बैंक 15-15 लाख कि धान का दाम दो और वोट लो। सही है कि गलत? भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी मैंने ट्रेलर है, फिल्म तो बनाऊंगा अभी 3 दिन पहले भाषण से। बीजेपी ने खातों में डलवा दिया, अभी एसबीआई की लिस्ट का नॉलेज है कि नहीं आप लोगों को जो आई है चंदे के बॉन्ड की? आपको फायदा यह कि कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की बात की, 25 गारंटी की बात, और फिर उसमें चलते हुए कहना बहना चिंता मत करना। 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ करेगी कांग्रेस पार्टी, हाथ का पंजा, ध्यान रखना है। वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, जनता ये मारी गई। जो कांग्रेस से प्यार करता है, जिसने देश को आजादी दिलाई, जिसने देश की उन्नति के लिए शहादत दी, जिसने हर परिस्थिति में कांग्रेस के प्रेम प्यार मोहब्बत इंसानियत सेवा त्याग बलिदान की भावना को आत्मसात करके कांग्रेस को जिया, वो एहसास क्या होता? वो एहसास है कि भाभी के पति भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी ये कांग्रेसी है। ध्यान रखो इस बात को, जरा जोरदार ताली। हमारे पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत साहब, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, हमारे विक्की भैया विधायक जी, हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे परिवार के साथी सीपीआई सीपीएम, फिर हमारी सारी बहनें जो पुरानी सबसे वरिष्ठ सबसे हमें आशीर्वाद के बच्चे जैसे ही हैं, जिस तरीके से सारी बहनें एक साथ हो गए, मैं सबको जिला अध्यक्ष जी की तरफ चले गए। हाँ जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे कांग्रेस एनएसयूआई महिला कांग्रेस सारे पत्रकार बंधु, यहाँ के बालाघाट के पत्रकार भी बहुत अच्छे हैं। ये मैं सुबह से बात कर रहा हूँ कि हमारे जर्नलिज्म के लोग भी बहुत अच्छे प्यारे मोहब्बत वाले हैं। देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव और देश के लोकतंत्र में जिस तरीके से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पे काबिज है, आप सब हम सब ने उनके शासन को देखा है। 2014 में उन्होंने देश के साथ में बहुत से मुद्दे, बहुत से वादे, बहुत सी बातें, बहुत से भाषण, नए सब बात दिखाए थे और देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया। जो भरोसा किया उन बातों को 10 साल में अगर आकलन नहीं करें तो कब करें? जो बातें कही थी 10 साल में उसका रिजल्ट जो निकले तो कब निकले? जो विचार देश के साथ में कहे थे, क्या हम आत्मंथन इस बात का करें कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं? कांग्रेस बीजेपी अपनी अपनी हो सकती है, पार्टियां अपनी हो सकती है, विचार अपने हो सकते हैं, पर देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। वो कांग्रेस बीजेपी हम विरोधी जरूर है विचार से उनके, पर प्रधानमंत्री हमारे लिए एहसास हम जीते रहते हैं, हमारे दुश्मन नहीं हमारे विरोधी। साथियों उन्होंने कहा था बहुत महंगाई की मार अपनी बार मोदी सरकार, याद है आपको ये नारा? अरे बोल के बताओ याद है या नहीं है? फिर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, तो आपके बच्चों को सबको रोजगार तो मिल गया होगा ना, ये पीछे वालों को मिल गया होगा, वो दादा वहां बैठे सब पीली शर्ट वाले आपके बच्चे को रोजगार मिल गया, दुकान वाले भैया चश्मे वाले भैया नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा था काला धन स्विस बैंक 15-15 लाख, कांग्रेस के जिनका स्विस बैंक में धन है जेल की सलाखों के पीछे है, ये याद है आपको? ऐसी बात कि भूल गए सब? याद है? अभी 23 के चुनाव हुए, मोदी की गारंटी, क्या शब्द आया मोदी की गारंटी, उस पर उन्होंने कहा 3100 का धान का, अब सबको मिल ही रहा होगा 3100 का धान का। अरे पीली शर्ट वाले चश्मे वाला दादा 3100 के धान के दाम हुए क्या? नहीं हुए। हाँ बताता है ना, इसमें तो कई कांग्रेसी आप दूर बैठे हो तो जरा बीच के आते रखते हो। फिर उन्होंने कहा 2900 रुपए गेहूं के दाम, फिर उन्होंने कहा 450 का गैस सिलेंडर, फिर उन्होंने कहा 3000 रुपया महिला, तो सब वादे उन्होंने पूरे करे नहीं। अब 2900 3100 का धान का दाम नहीं है,
तो मेरा सबसे निवेदन है कि ये धान है, ये मेरे साथ लेके चलता हूँ, ये देख लो, ये जैसे ही बीजेपी के लोग आए, सांसद का चुनाव लड़ने वाली हमारी बहन है, बीजेपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अभी जो वो है, तो उनको कि धान का दाम दो और वोट लो, सही है कि गलत? जब इधर भी पान वाले भैया आपको भी कह रहा हूं, सुनो बात बहुत गंभीर है, देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात। अरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं महंगाई, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार, अलग अलग बातें, पांच मिलियन डॉलर व्यवस्था, एक बात जमीन पे नहीं। बात जमीन पे क्या है? बात जमीन पे नहीं नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी मैंने ट्रेलर है, फिल्म तो बनाऊंगा, अभी तीन दिन पहले भाषण किया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये ट्रेलर था जिसमें 141 लोगों को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया, पकड़ा, नोटिस दिए, पूछताछ की, उसमें से 121 बीजेपी में आपने भर्ती किए, ट्रेलर था। तो सारे भ्रष्टाचारियों को सत्ता में लोगे, बीजेपी में लोगे, करोगे क्या? जितने सच है ट्रेलर, मोदी जी ने कहा कि अभी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। देशवासियों समझो, बालाघाट के, गुर्रा के, गर्रा के परिवार के लोग आप भी समझो, देश के प्रधानमंत्री ने कहा और निर्णय क्या लिया कि 141 भ्रष्टाचारी नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया, उन पर आरोप लगाए, पूछताछ हुई, नोटिस हुए, उसमें से 121 लोगों को बीजेपी राइन करा, ये उनका ट्रेलर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री का ट्रेलर है कि जितनी ईडी की कार्रवाई 50-40 कंपनियों में हुई, उनके जो मालिक है गिरफ्तार हुए, जेल में गए, जिस दिन उन पर नोटिस हुआ, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए, जिस दिन वो छूटे, इस बीच में 50 करोड़ से 500 करोड़ स्विस बैंक के खाते के हिसाब से उन्होंने बीजेपी का क्या खाते में डलवा लिया। ये ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है, ये ट्रेलर है देश के प्रधानमंत्री का कि उन्होंने 2000 कंपनियों से जिनको टेंडर दिए, रोड के टेंडर दिए, स्टेडियम, एयरपोर्ट, स्टेशन, रेल, सबसे 500 करोड़ से 1000 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बीजेपी के खातों में डलवा दिया। अभी एसबीआई की लिस्ट का नॉलेज है कि नहीं आप लोगों को, जो आई है चंदे के बॉन्ड की, बॉन्ड के चंदे का हिसाब आपके पास आया अभी तक नहीं आया, क्योंकि टीवी वाले नहीं बताते, टीवी वालों का काम नहीं है, पेपर में नहीं लिखते, पेपर वाले वो लिखते हैं जो मोदी जी चाहते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आदरणीय सरस्वती, बहुत सज्जन सरल, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, बहुत ईमानदार, बहुत कर्तव्यनिष्ठ, और अपने धर्म को, राजनीतिक और सामाजिक धर्म को समझने वाले, एकजुट होकर एक साथ होकर 19 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर सरस्वती जी को जिताओ, पर आप इनको जिताओ तो आपके घर में क्या फायदा, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनको क्या फायदा? आपको फायदा ये कि कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय की बात की, 25 गारंटी की बात। 5 न्याय कौन से? किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय, भागीदारी न्याय। ये युवा जो ग्रेजुएट हो गया, जो युवा जिसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, रोजगार नहीं है, माता पिता ने पढ़ाया, दुखी है, बच्चे को रोजगार नहीं मिला, शराब पीने लगे, घर में जाता झगड़े करता, घर घर की कहानी है, सही है कि गलत? उस बच्चे को 8,500 रुपए की पक्की नौकरी कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा राहुल गांधी जी देंगे, ध्यान रखना है ये, बताओ घर घर जाके 1,00,000 रुपए उस बच्चे को 8,500 रुपए एक साल तक कांग्रेस पार्टी पक्की नौकरी देगी। दूसरा, महिला न्याय, 3,000 की बात की थी शिवराज जी ने, 3,000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जा ले, फिर बड़ा पांडाल था जाना, फिर बड़ा स्टेज लगाना, फिर ऐसा कार्डलेस माइक हाथ में लेना, फिर ऐसा सामने रेल बनाना, और फिर उसमें चलते हुए कहना, मेहनत चिंता मत करना,
मिलने लग गया होगा आपके बचपनों को। अरे झूठ बोलते हो, मिलने लग गया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने महिला न्याय में इनके बीजेपी के धोखे का सुधार किया। हर बहन को याद रखो, ये बताना वीडियो घर घर ले जाके फैलाओ। इस वीडियो को जो मैं बोल रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते सब बहनों को भी ये जिम्मेवारी है। हर बहन जो गरीब है, किसी जाति की किसी धर्म की, 8,500 रुपया पर बहन के खाते में, महिला आर्थिक संबल के नाम पर, न्याय के नाम पर कांग्रेस पार्टी उनके खातों में डालेगी। ध्यान रख लेना। पर कोई भाई है कहते कि तुझे थोड़ी दारू वारू पीना है, खाते में से ले लो, तो नहीं दे सकते, ये नियम है, ध्यान रख लेना। फिर से एक बार ऐसे ही किसानों के 3100 के धान और 3000 का गेहूं का दाम बने, समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस, केसीसी लोन कितने लोग लेते हैं, हाथ ऊंचा करो, सब लेते हो ना। 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ करेगी कांग्रेस पार्टी, हाथ का पंजा, ध्यान रखना है बात। ये फैलाओ, घर घर बताओ, ये चेक कर लो कि कितने केसीसी लोन है। उन केसीसी लोन वालों के घर एक पत्र पूछा, याद रखो, दूसरा काम मत करो, बुद्धि से काम लो, बैंकों से केसीसी लोन सोसाइटी से खाते ले लो, और उनको बताओ कि 2 लाख रुपए तक का आपको कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी। पहले हमने किया है, 72,000 करोड़ रुपए किया है, फिर हमने कमलनाथ जी जब बने थे जब 27 लाख किसानों का किया है। हमारा रिकॉर्ड काम करने का है, जो बोलते हैं वो वचन निभाने का है। रघुपति इंद्र सजा चली आई, प्राण जाए पर कांग्रेस करती है, बीजेपी नहीं करती। और बीजेपी का क्या है, वादा तेरा वादा, झूठा तेरा वादा, जनता ये मारी गई तेरे झूठ से। सही है गलत, अंतर को समझो, अंतर को समझो और बताओ। मैं अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष जी इधर आओ, कहाँ हो, इधर आओ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी था, मैं खुद ब्लॉक अध्यक्ष भी था। जिला पंचायत सदस्य कौन है, हाथ ऊंचा करो, एक आधे जिला पंचायत सदस्य के बाद ही आ जाते हैं बने, ये मतलब हाथ है। मैं जिला पंचायत सदस्य में था, मैं जिले का अध्यक्ष भी, आओ संजीव यादव, मैं जिले का अध्यक्ष भी था, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का जिले का, मैं यूथ कांग्रेस का जिले का अध्यक्ष भी था, प्रदेश का युवक कांग्रेस अध्यक्ष भी बना, और प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं आप जैसा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपके दर्द को जीता हूँ, और आप जैसा ही हूँ बिल्कुल नहीं डरता हूँ, लड़ने में कोर कसर बाकी छोड़ता ही नहीं हूँ। आपको याद है 3,000 रुपया किसानों के गेहूं और धान की लड़ाई लड़ रहा था, वो वीडियो देखे आपने, अरे पीछे वालों ने देखे क्या, तो ये बीजेपी मेरी मजाक करती थी, शिवराज जी भी मुख्यमंत्री थे वो भी मजाक उड़ाते थे, इसको तो नेतागिरी करना है, किसान से मतलब नहीं है। पर मैंने 3 साल में इतना बोला, गला गला घट गया मैं, आखिरी में डरना पड़ा और 2700-2100 करना पड़ा। नहीं करते क्या, पर कर दिया, बोल दिया, पर कर नहीं रहे, झूठ बोल। अब गले की हड्डी बन गई, इनको नहीं इनके देव को करने पड़ेंगे, 2100 रुपए धान के दाम देने पड़ेंगे, याद रखना। मैंने जैसा कहा बीजेपी के लोग आए और धान की एक मुट्ठी दान कर दो, इसके वोट दे दो, पैसे दे दो, वोट ले लो, नहीं तो तुम तुम्हारे हम हमारे, सही है कि गलत। तो मैं आपके भरोसे, कितने परिवार के लोग ये चाहते हैं कि सम्राट सरस्वती सांसद बन जाए, हाथ ऊंचा करो, सब चाहते हैं। तो एक दिन भी आप चेन से बैठना मत, जब तक 19 तारीख को इनको दृढ़ता से पंजे को नहीं जिता दे, बैठोगे तो नहीं ना, बेफिक्र होकर जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, भारत माता की जय।